नमस्ते फ्रेंड्स, हाउ यू डूइंग? आई होप यू डूइंग फाइन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसके बारे में मुझे काफ़ी सारा क्वेश्चंस मिला, काफ़ी सारा रिक्वेस्ट मिला। तो मैं सोच रहा था कि उसको कैसे प्रेजेंट करें, कैसे उसको आपके सामने लेके आए। तो आई हैव डन ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई हैव एक्चुअली रिटन ए फुल फ्लेज्ड ब्लॉग ऑन दिस टॉपिक एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन माई ब्लॉग। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है theindianfreelancer.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड द टॉपिक इज हाउ टू रैंक योर फाइवर गिग हाई अप इन द फाइवर सर्च रिजल्ट्स। जब आप फाइवर में जाके सर्च करते हो आपके स्किल को लेके या फिर आपके कैटेगरी को लेके, तो पहले पेज में आपका जो गिग है उसको हम कैसे लाएं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा एंड आई एम श्योर यू विल लर्न ए लॉट अबाउट रैंकिंग योर गिग्स ऑन फाइवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि ये जो टॉपिक अभी हम बात करने वाले हैं, इट इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ माय ऑनलाइन कोर्स व्हिच इज हाउ टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर ऑन फाइवर। इट इज अवेलेबल on Udemy in Hindi and in English, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो कोर्स मैंने बनाया है। नाउ देर इज़ ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट कोर्स एज वेल। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट अप यू कैन चेक इट आउट एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू लाइक द फ्री प्रिव्यूज एंड द कोर्स डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो हैड एंड टेक अप दैट कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज वो फाइव स्टेप्स से जो आप कर सकते हैं ताकि आपका जो फाइवर गिग है वो फाइवर सर्च रिजल्ट में हाई अप रैंक करें, ठीक है। So before I tell you the five things that you can do, let me tell you that Fiverr itself is a search engine. So jab koi buyer Fiverr mein jata hai, wo wahan pe search karta hai. Like I want to find a logo designer. So wo logo design bolke ya fir logo designer bolke wahan pe search karta hai. Now when a buyer searches with the keywords, it lands up in a search result. Search result ka page hota hai wahan pe, ek page se leke kareeb 16-17 पेज होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया और डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड दैट द बायर इज सर्चिंग। नाउ आवर एम शुड बी टू ब्रिंग आवर गिग्स ऑन द फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पेजेस, राइट, क्योंकि पीछे वाले जो पेजेस हैं वहाँ पे बायर नॉर्मली जाता नहीं है। आप भी अगर फाइवर में कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ सर्विस सर्च कर रहे हो, तो आप दो तीन पेज से ज़्यादा नीचे आप नहीं ढूंढोगे, है ना। तो हर एक बायर जो है वो भी दो तीन पेज ही ढूंढेगा, वहीं पे वो सिलेक्ट करेगा कि कौन से सेलर को उसको काम दे रहा है। तो इसीलिए वी शुड ट्राई टू पुश आवर गिग्स ऑन द फर्स्ट फ्यू पेजेस और आइडियली ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द फाइवर सर्च रिजल्ट्स। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में बताऊंगा पांच वैसा चीज जो आप कर सकते हो ताकि आपका जो फाइवर गिग है वो हाई अप रैंक करे। पहला चीज है कीवर्ड रिसर्च। नाउ हम सबको पता है कि पूरा जो ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन इंडस्ट्री है, वो कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। नाउ व्हेन यू हैव अ ब्लॉग और व्हेन यू हैव अ यूट्यूब वीडियो और व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, यू नीड टू हैव कीवर्ड्स व्हिच यू थिंक दैट द बायर विल यूज टू सर्च योर कंटेंट ऑन गूगल। गूगल या फिर बिंग या फिर कोई भी सर्च इंजिन जो है वहाँ पे वो बायर वो कीवर्ड डाल के सर्च करेगा, राइट। सो दैट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट दैट particular keyword which will be very relevant to your services which you offer in your Fiverr gig. जो आप Fiverr में sell करते हो, जो आप skills या फिर services और product जो भी आप sell करते हो Fiverr में, उसका जो keyword है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। Now keyword research is a very big subject and there are a lot of videos on YouTube on how to exactly do keyword research. आप online जाके पढ़ भी सकते हो, बहुत सारे books हैं, मोटे मोटे किताब हैं only on keyword research. So it is something different. We are not going to talk about it right now in this video. But the aim of this content is that you have to do keyword research and you have to find out the keywords which are most relevant to your service and use them in your gigs. ठीक है? तो पहला step है to do a keyword research based on the services that you provide on Fiverr. दूसरा जो step है वो है gig SEO. मतलब gig को search engine के लिए optimize करना। जैसे मैंने बताया Fiverr एक सर्च इंजन है और उस सर्च इंजन के लिए आपको अपने गिग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि जब कोई बायर आके सर्च करे आपका गिग ऊपर दिखाए। नाउ हाउ डू ऑप्टिमाइज
You have to use that keyword that you have found from the first step and put that keyword in your gig wherever possible. आप कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ वो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं. आप अपने गिग टाइटल में यूज़ कर सकते हैं, आप गिग डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं, गिग टैग्स में यूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ तक कि गिग का जो गिग एक्स्ट्रास है या फिर पैकेज का जो डिस्क्रिप्शन है, जो पैकेज के बारे में हम लोग बताते हैं, वहाँ पे भी आप अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो हर जगह कीवर्ड यूज़ करिए. ये मैंडेटरी है कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल में रहे, है ना, आपके टैग्स में रहे. तो गिग डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे भी आप अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अभी रिसेंटली पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ कि फाइवर में आप जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक वर्ड बार बार नहीं लिख सकते, उसका कुछ लिमिटेशन है. सो इफ़ यू राइट सेम वर्ड लॉट ऑफ टाइम्स, फाइवर विल नॉट अलाउ यू टू सबमिट दैट डिस्क्रिप्शन. सो यूज़ इट वाइजली. तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो भी कीवर्ड आपने सर्च किया, आपने डिसाइड किया अपने गिग के लिए, वो आपके गिग में बहुत बार आना चाहिए, है ना. सो दैट्स पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर थ्री है टू डू गिग रिसर्च. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट गिग रिसर्च, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट गोइंग इनटू फाइवर, चेकिंग द गिग्स दैट आर एक्चुअली सेलिंग मोर ऑन फाइवर फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स लाइक टॉप रेटेड सेलर्स और लेवल टू सेलर्स, जिनके बहुत सारे सेल्स हो रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूज हैं, वो सब गिग आपको जाके चेक करना है. नाउ द रिसर्च इज टू एक्चुअली चेक व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट दोज पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग ऑन फाइवर. ये नहीं कि वहाँ पे जाके जो भी वो लोग बोल रहे हैं या फिर जो भी वो लोग लिखे हैं वो सारा कॉपी करके आप अपने गिग में डाल दो. कॉपी नहीं कर सकते. अगर कॉपी करते हुए आप पकड़े गए या फिर फाइवर एल्गोरिथम ने निकाल लिया कि योर गिग इज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम समबडी एल्स, देन योर गिग विल बी नेवर शोन ऑन फाइवर सर्च रिजल्ट्स. वो हट ही जाएगा, कभी भी नहीं आएगा. यहाँ तक कि 20 या 25 या 30th पेज में भी वो गिग कभी नहीं दिखाएगा. तो यू मस्ट बी केयरफुल and you should not be copying from anyone, but still you have to do gig research so that you understand what are the best things that different high selling gigs are actually doing, like top sellers ka gig hoga, level 2 sellers ka gig hoga, jahan pe 1000 2000 5000 reviews honge. Wo gig aap jaake dekhiye, usme dekhiye kaise unhone description likha hai, kaise unhone images banaya hai, kaise unhone gig video banaya hai, aur wo bhi jo portfolio pdf wala, wo kaise banaya hai. So once you see all these things, you will have an idea of how to decorate or how to create your own gig. So aap fir wapas aaiye apne gig mein aur usko update kijiye with the best practices that you have learned from the gig research. So that is point number 3. The fourth point in this list is to be available. Jitna aap available rahoge utna zyada chances hain ki aapke gig mein sale badhe. Log jab online aake search karte hain, Fiverr mein search karte hain, to they look for सेलर्स हु आर एक्चुअली ऑनलाइन. और जब आप कोई भी नया मैसेज आपको मिलता है और आप उसका रिस्पॉन्स करते हो, तो इट शुड बी वेरी फास्ट, इन द सेंस द कस्टमर और द बायर शुड नॉट बी वेटिंग फॉर यू टू लॉन्ग. इसीलिए अवेलेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अवेलेबल आप कैसे रह सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहो. दिस इज नॉट फिजिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल एज वेल. सो वॉट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल द फाइवर ऐप ऑन योर मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन में फाइवर ऐप इंस्टॉल होने से क्या होता है कि जब भी कोई नया मैसेज आता है या फिर कोई अपडेट आता है फाइवर में, यू विल गेट ए नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल फ़ोन. तो तुरंत आप मोबाइल फ़ोन देख सकते हो और तुरंत उसका रिस्पॉन्स कर सकते हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये फाइवर एल्गोरिथम भी चेक करता है कि हाउ मच टाइम यू हैव टेकन टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज ऑफ द बायर्स. ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी जल्दी उसका रिस्पॉन्स कर सके, कोई भी जो क्वेरी या फिर क्वेश्चन आया आपके पास. ठीक है, नाउ टू टेक दैट लिटिल वन स्टेप फर्दर, यू कैन एक्चुअली गेट योर स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस बैंड लाइक आई हैव दिस वन. मेरे पास MI बैंड 3 है. ये फिटनेस बैंड को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो ताकि जब भी कोई मैसेज आए आपके ऐप में, मोबाइल ऐप में, आपको यहाँ पे एक वाइब्रेशन मिले या फिर एक अलर्ट मिले ताकि आप तुरंत मोबाइल देख सको और उसका रिस्पॉन्ड कर सको, है ना. सो दिस इज वन स्टेप फर्दर अहेड ऑफ दिस सेटअप दैट आई वुड रिकमेंड. इफ यू डोंट हैव दिस वॉच, इट्स फाइन, इट्स नॉट ए मैंडेटरी, बट इफ यू हैव इट, प्लीज यूटिलाइज इट सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज इवन फास्टर. नाउ यहाँ पे मैं बोल दूँ कि अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो और किसी कारणवश आप
बिजी हो कहीं पे या फिर रात को जब आप सोते हो तब मैसेज आता है, डोंट बॉदर मच। ये ऐसा नहीं कि हमको रिस्पॉन्ड करना ही है, मैसेज आते ही तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, ऐसा नहीं है। जितना हो सके आप करो, बट डू नॉट लेट दिस एंटर योर पर्सनल लाइफ। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि फाइवर के बाहर भी आपका एक एक लाइफ है, उसको भी आपको जीना है, उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। बट ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज फास्ट एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, बट इफ यू मिस ऑन वन और टू रिस्पॉन्सेज डू नॉट बी बॉदर अबाउट इट। ठीक है, ज़्यादा उसमें ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जितना आप हो सके, जितना आपसे हो सके उतना आप कीजिए। सो दैट वॉज पॉइंट नंबर 4, टू बी मोर अवेलेबल टू द क्लाइंट्स। फिफ्थ पॉइंट है टू अवॉइड कैंसिलेशंस, मतलब टू कीप योर कैंसिलेशन रेशियो वेरी लो एज पॉसिबल। नाउ ये रिसर्च जब मैं कर रहा था तो मैंने बहुत सारे सेलर्स से भी बात किया, बट मैनी पीपल वेर नॉट एग्रीइंग विथ मी, सेइंग दैट दिस कैंसिलेशन थिंग डज नॉट वर्क मच, डज नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रैंकिंग ऑफ योर गिग्स, व्हिच मे बी पॉसिबल। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितने सालों से काम कर रहा हूँ फाइवर में, मुझे लगता है कि अगर आपका कैंसिलेशन लो रहे तो आपका जो रैंकिंग है वो बेटर रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं देखता हूँ जो मेरा 2-3 कैंसिलेशन हो जाता है रेगुलरली, तो उसके बाद मेरा जो रैंकिंग है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, मैनी सेलर्स हैव ऑल्सो टोल्ड द सेम थिंग, बट मोस्ट ऑफ द सेलर्स आर नॉट एग्रीइंग विद इट। आप खुद भी देख सकते हो, अगर आपका कैंसिलेशन है और उसके बाद आप जाके कीवर्ड से सर्च करते हो फाइवर में, आप देखोगे कि आपका रैंक थोड़ा सा डाउन हुआ है। सो मेरे हिसाब से यू शुड ट्राई टू अवॉइड कैंसिलेशंस, गो टू रिजोल्यूशन सेंटर, ट्राई टू कन्विंस द बायर एंड टेल हिम दैट यू कैन एक्चुअली ऑफर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इन द ब्लॉग पोस्ट। आप जैसे मैंने बताया था, आप मेरे ब्लॉग में जाके वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हो, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे करके आप वो जो कैंसिलेशन रेट है उसको कम कर सकते हो। सो कीप इट लो एंड योर रैंक ऑन फाइवर विल बी हाई फॉर श्योर। सो दैट वॉज पॉइंट नंबर 5। नाउ एज अ बोनस टिप आई विल टेल यू 3 मोर थिंग्स विच यू कैन डू टू एक्चुअली रैंक योर गिग हायर ऑन फाइवर। क्या है वो 3 थिंग्स? पहला चीज है कि आप ट्राई करो कि जितना हो सके आप सेल करते रहो, ट्राई टू इंक्रीज योर सेल्स। नाउ दिस इज समथिंग विच इज एवरीवन्स ड्रीम ऑन फाइवर, राइट? सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कोई भी गलत तरीके से सेल बढ़ाना है। वॉट एवर यू आर डूइंग, कीप डूइंग इट एंड ट्राई टू गेट मोर सेल्स, बिकॉज वेन यू हैव मोर सेल्स योर नंबर ऑफ 5-star ratings or your number of reviews will also increase. So the second thing is to get more reviews, more 5-star reviews. So वो जब increase होगा तो Fiverr algorithm जो है वो automatically आपके gig को ऊपर push करेगा। अगर आपने Fiverr में देखा होगा तो ऊपर के जो gigs आते हैं, पहले पेज में जो gigs आते हैं, वो सारे वैसे gigs होते हैं जिसमें 1,000, 1,500, 2,000 reviews हो। तो the more you sell, the more reviews you get, Fiverr algorithm will push your gig higher on the सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, तो तीसरा चीज़ यह है कि जब भी आप ज़्यादा सेल करोगे, जैसे आपका 5-star रिव्यूज बढ़ेगा, वैसे ही आपका लेवल अप भी होगा। सो थर्ड थिंग इज टू लेवल अप एज मच एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही आपका गिग ऊपर रैंक पे शो करेगा, ये भी लॉजिकल है। सो द बोनस टिप सेज दैट यू सेल मोर, गेट मोर 5-star रिव्यूज एंड लेवल अप एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, so these steps I'm sure would be helping you a lot to rank your gig higher on Fiverr search results. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया एक्सप्लेन करने के लिए, और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है मेरे ब्लॉग में, आप वहाँ पे जाके ये पोस्ट पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि कैसे आप अपना गिग को Fiverr में हायर रैंक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड लेट मी नो इन योर कमेंट्स what all you do to rank your gigs higher on Fiverr. इस वीडियो को देखने के लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा एंड लेट योर कम्युनिटी, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो दैट आई क्रिएट सच कंटेंट ऑन माई चैनल विच इज द इंडियन फ्रीलांसर। आई एम श्योर दिस काइंड ऑफ कंटेंट विल बी हेल्पिंग ए लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए अपने दोस्तों को ये सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए। And before I end, I'll want to reiterate that there's a full-fledged course in Hindi, जिसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ करके मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है। Udemy में है वो कोर्स,
आप चाहे तो वो कोर्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन रहेगा, वो डिस्काउंट कूपन लेके आप वो कोर्स ले सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ फील फ्री टू टेक अप दैट कोर्स एंड लेट मी नो योर कमेंट्स हाउ यू लाइक दैट कोर्स और वॉट ऑल यू नीड टू बी एडेड इन दैट कोर्स एज वेल, वो भी मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बींग हियर विद मी, दिस साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर, टेक केयर, बाय बाय।